मैं हूं अभिषेक बारेट और आप देख रहे हैं धमचिक। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाती हैं। वो किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। ये बात और है कि कभी कभी वो कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखने में देर कर जाती हैं। जैसा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में घटित हुई 2.5 साल की एक बालिका की हत्या की घटना के दौरान हुआ था। हालांकि कल रविवार को खेले गए भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर स्वरा भास्कर ने अपने विचार रखे और पाकिस्तानियों द्वारा किए गए ट्वीट्स पर उन्होंने रिएक्ट भी किया। स्वरा भास्कर ने कल एक ट्वीट किया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कल भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक समर्थक ने ट्वीट किया। उसने लिखा, ना बंटवारा होता और ना हम जलील हो रहे होते। पाकिस्तानी टीम के इस फैन के ट्वीट का जवाब देते हुए स्वरा भास्कर ने कहा, भाई साहब कहना पड़ेगा, पाकिस्तानियों की जैसी कोई दुहाइयाँ नहीं देता। इतनी इज्जत से ऐतिहासिक तंज, भले ही आज तुम लोग मैच हार गए हो लेकिन तुमने ट्विटर जीत लिया है जिसमें पाकिस्तान से नफरत करने वाले भारतीय संघी भी शामिल हैं। स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जानबूझकर उल्लेख किया है और उन्हें भारतीय संघी नाम से पुकारा है और साथ ही उनको पाकिस्तान से नफरत करने वाला बताया है। स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में पाकिस्तानियों को सम्मान देते हुए बड़े दिल वाला और भारतीय संघियों को संकुचित मानसिकता वाला बताने की कोशिश की है। स्वरा इसी तरह के ट्वीट्स और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए चर्चा में रहती हैं, लेकिन ये चर्चाएं अगर भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर हों और क्रिकेट से दोनों देशों के बीच में जो संबंध तनातनी वाले हैं उसको लेकर हो तो थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है स्वरा भास्कर को। आप हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अगली खबर तक धमचेक मचाते रहिए।